आईफोन से भी डर का रहा आए हैं सब लड़का। स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम लोग दृश्यम 2 मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, जो 2021 में रिलीज़ हुआ था, जो साउथ का मूवी था, वो दृश्यम 2 ही है उसका नाम भी। और उसी का आज हिंदी रिमेक निकला हुआ है, तो उसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और आफ्टर 7 ईयर्स के बाद ये रिलीज़ हुआ है, क्योंकि दृश्यम 1 जो है वो 2015 में रिलीज़ हुआ था। तो इतना साल का वेट करने के बाद आज हम लोग पार्ट 2 को देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहीं पता चलेगा कि मूवी किस तरह से और क्या है। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली यहाँ PML पहुँच गए, और हम लोगों ने मूवी का टाइम है 10:30 और अभी टाइम हो रहा है 10:27, तो 3 मिनट बाकी है। हम लोगों को बहुत ही हड़बड़ा के आए हैं और बहुत लेट हो गया, तो देखते हैं हम लोगों का दुकान वकान अच्छा से खुला भी नहीं है दुकान से, तो देखते हैं हम लोगों को कोई सीन मिस मूवी स्टार्ट ना हो गया हो और कुछ मिस ना हो गया हो, क्योंकि हम लोगों को शुरुआत से देखना चाहते हैं, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाएगा हम लोगों का। तो ठीक है, तो मिलते हैं। हो सो काफ़ी थक गए हम लोगों, आज इतना जल्दी आए हैं 10:30 का शो में, तो यहाँ पे हम लोगों ने तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ रहती है, सीढ़ी सब जो रहता है ऑटोमेटिक चलता है, वो सब स्टार्ट भी नहीं हुआ था। हम लोगों ने भाग भाग के सीढ़ी में चढ़े तो पहुँच गए हैं। तो हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने ये मूवी देखने आए हैं दृश्यम 1 जो था, हम लोगों ने फ़ोन में ही देखे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो दैट्स व्हाई आज दृश्यम 2 रिलीज हुआ, तो हम लोग सोचे ये थिएटर में देखें। तो आप लोगों ने देख सकते हैं पूरा शो हाउसफुल जी जा रहा है आज यहीं पे स्क्रीन 2 में हम लोगों का, तो देख सकते हैं आप लोगों ने क्राउडेड ये मूवी देखने के लिए कितने लोग आए हैं। आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, आप खुश होते हैं तो हमें सचमुच अच्छा लगता है। सच लगता है झूठ जैसा है ये तेरी आंखों का करम दृश्यम। दृश्य पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या हो। वो क्या हो? वो पुलिस आ रही है। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। सब कुछ तो ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? कहीं आते भाई ऐसे हो गए तुम। सो गाइस, अभी फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, तो फर्स्ट हाफ खत्म होकर हम लोग बाहर आए हैं यहाँ पे आप लोगों ने बताने के लिए कि फर्स्ट हाफ हम लोगों ने कैसा लगा, हम लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया। कोई स्पॉइलर नहीं रहेगा, बस हम लोगों ने बताएं कि हम लोगों ने कैसा लगा फर्स्ट हाफ तक। तो रमेश क्या लगा फर्स्ट हाफ? अगर आपने दृश्यम 1 नहीं देखे तो ऑब्वियसली आप लोगों को 2 नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो 1 में है, और ये आफ्टर 7 ईयर्स के बाद ये रिलीज हुआ है, इसलिए मतलब सस्पेंस पे सस्पेंस है हर जगह। मतलब आपको सोचेंगे कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बस यही दिमाग में रहता है एनी टाइम, ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग। मैं तो यही कहूँगा, वो सारा चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे, बस दीपक अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो फर्स्ट हाफ खत्म होते होते ऐसा बिल्डअप कर दिया ना कि हम लोगों को वेट नहीं हो रहा कि सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड हाफ में आगे और क्या होने वाला है, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है। तो ठीक है,
पूरा मूवी देख के आप लोगों को बाद में बताएंगे कि हम लोगों को कैसा लगा पूरा फुल मूवी। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बाहर में बैठे हुए, हम लोग अभी अंदर जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर लेट करेंगे तो कुछ मिस हो गया तो हम लोगों को बहुत खराब होगा। हम तो कुछ खाए नहीं, हम तो खाए नहीं खाया इसको, मतलब मूवी इतना मतलब भयानक। एक दो बिस्कुट पैकेट छुपा के लाए लेकिन अंदर हो, बस ये है वो भी खाए नहीं है, बस मूवी देखे तो पेट भर गया, मतलब दिमाग पूरा ठीक है खा कर। चले सेकेंड हाफ के बाद में मेरा नाम विजय सलगांव कर, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है। तू जहां से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का। सो गाइज फाइनली हम लोग मूवी देख के निकल गए हैं, एंड अभी आप लोगों ने पूरा फुल मूवी का रिव्यू नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शोर शराबा है। तो आप लोगों ने एक इत्मीनान से कहीं अच्छा सन्नाटा जगह में आप लोगों ने अच्छा से रिव्यू बताते हैं। और रमेश अभी वहाँ पे हम लोग बाइक में आया तो वो हेलमेट वहाँ जमा दिया था तो देने गया है, और उसके बाद नेक्स्ट मूवी रहेगा हम लोगों का ये अवतार, ये भी देखने आएंगे तो इसका भी रिव्यू करेंगे। जो सच्ची में सो गाइज अभी हम लोग वहाँ पीएम मॉल से निकल के अभी यहाँ पे जीआरडी स्टेडियम आए हुए, तो यहीं पे आप लोगों को मूवी का रिव्यू बताएंगे। तो मूवी का रिव्यू मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो सेकंड पार्ट देखने मत आइए, पूरा आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, आप लोगों ने समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एंड अगर जिसने पार्ट वन नहीं देखा तो मैं बता दूं कि ये हॉटस्टार में दिया हुआ है, आप लोगों ने वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, फिर मूवी देखिए आपको अच्छा लगेगा। आज तक हम जितना भी मूवी देखे हैं अच्छा अच्छा मूवी देखे, लेकिन इस तरह का राइटिंग स्टोरी हम आज तक नहीं देखे, ऐसा स्क्रीन प्ले हम कोई मूवी में आज तक नहीं देखे कि इतना सस्पेंस इतना कुछ। मतलब ये मूवी दिखा दिया कि एक आदमी अगर अपने पे उतर जाए तो अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो रमेश तुमको कैसा मूवी लगा? आफ्टर वॉचिंग दिस दृश्यम 2 मैं तो अजय देवगन को बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं गुटका स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की, क्योंकि बाप रे बाप अजय देवगन जिस तरह से है उनका लाजवाब है, मतलब माइंड ब्लोइंग, और मेरा दिमाग तो पूरा फाड़ के रख दिया है अजय देवगन ने। लेकिन मतलब हम लोग बस उसको अनखे का हम लोग उसको मतलब वो जो भी है बिमल खाए कुछ भी करे तो उसके लिए हम लोग उसको मैंने उसका ये उसका सपोर्ट उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गलती करता है, लेकिन जो उसका एक्टिंग था ना वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल था, हम लोगों ने एक्टिंग के लिए फैन हो गए हम लोग। और मैं रेटिंग दे रहा हूँ 5/5 बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। आज तक कोई मूवी इतना 5/5 रेटिंग नहीं दिया ना, तो नहीं दिया, मतलब जिस तरह से किया गया मूवी को, जिस तरह से मतलब उस चीज़ को निभाया गया है। अगर आप लोग दृश्यम 1 देख लिए हैं तो ऑब्वियसली आप लोग आइए दृश्यम 2 देखिए, अगर आप लोग सच्चाई जानना है तो थिएटर आ कीजिए, फुल एक्सपीरियंस कीजिए थिएटर को। और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि हर एक सेकंड में हर एक क्लाइमैक्स से और सस्पेंस तो यही है ही है, और मतलब एक एक, नहीं एक एक पार्ट इसमें मतलब हर एक सेकेंड बहुत आप लोग सोचेंगे कि क्या दिखा रहा है, लेकिन वही सब बाद में जाके आप लोग जो जुड़ते जाता है ना लास्ट में सेकेंड आप इंटरवल का तो बाप रे बाप पूरा मतलब जो भी है इंटरवल के बाद है सब। या पीजीपी में ऐसे आमतौर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, नहीं करता, लेकिन आज कोई मतलब लेडीज से भी हल्ला करने लगी, सिटी उटी सब चला, लेकिन एक मोमेंट ऐसे भी आया क्योंकि बहुत अच्छा था। बस ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस आइए और देखिए देखिए तो ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से लंच करने जाएंगे और जादूगढ़ में भी कुछ इवेंट है तो वहाँ भी हम लोग कवर करेंगे, तो बने रहिएगा आगे वीडियो में। Thank you.
इतना ज़्यादा मत बोलो। सो अभी हम लोग कौन यहाँ टाटा से आ गए हैं और यहाँ जादूगुड़ा बगला से में सोहराय हो रहा है, डंगरी कुंटा हो रहा है, तो वहाँ भी हम लोग थोड़ा अटेंडेंस दे दे रहा है, रमेंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए वहाँ पे लड़के लोग बोले हैं कि वीडियो वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए उनको भी वीडियो में लेके आते हैं कैमरा में, लड़के लोग से बंदे लोग से मिलते हैं, थोड़ा यहाँ दिखाते हैं हम लोगों ने कैसा रहता है यहाँ का बगला से का सोहराय। सो अभी यहाँ पे भाभी मिली है, वो इधर हम लोगों ने देखी नहीं है, तो लोगों से मिलाते हैं। तो देख ली, हाँ हेलो कर दीजिए थोड़ा। तो इनको तो जानते ही होंगे, इनका चैनल सीता टूडू ऑफिशियल। आप ब्लॉग बना रहे? हाँ बना रहे। तो मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ। हम भी ब्लॉग बना रहे हैं। थोड़ा सा डार्क आ रहा है तो इसलिए हम अभी वीडियो कर रहे हैं। आईफोन नहीं लाए क्या? लाए हैं। आईफोन से भी डार्क आ रहा है? तो आप बोल दीजिएगा आप, नहीं हम क्या बोलेंगे, मेरा जितना भी मेरे ऑडियंस है थोड़ा भाभी का वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप भी और इनका भी जितना ऑडियंस है थोड़ा मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, इधर इधर से बनाओ। तो हमारे संताली इंडस्ट्री के यह जाने माने सिंगर, इनको तो पहचान रहे होंगे, राम मंडी जोहार, इनका गाना नहीं सुने तो हम यहाँ पे सुने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने होंगे क्या? हाँ, मेरा चैनल के बारे में बोल दिए। अच्छा, कैसा? जोहार जोहार, सब कैसे हैं? बढ़िया है, जानते हैं सबको, खुशी है, हैप्पी है। चलिए आज हम लोग सोहराय का उपलक्ष्य में आज घूम आए हैं, और जो आज का जो मस्ती काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है आज। ये जो हम लोग का कल्चर परंपरा जो है, जो हम लोग संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृति को मिल के हम लोग चल रहे हैं, इससे बड़ा खुशी और क्या चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कल्चर को ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लोग का ज़्यादातर जहाँ कल्चर अच्छा से होता है उसमें जाते हैं। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, थोड़ा यहाँ का माहौल बना दिए। तो किसके साथ आए? आए हैं सब लड़का लोग आया है, ठीक है। हेलो, हाँ